हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कि पूजा का नारियल औरत और लड़कियों को क्यों नहीं फोड़ना चाहिए, शास्त्र में इसे वर्जित क्यों बताया गया है, इसके पीछे का कारण आप लोग जरूर जान लें। साथ ही मैं दो उपाय आप लोगों को बताऊंगी नारियल का, जो बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को जरूर कीजिएगा, धन से संबंधित है। धन इस उपाय को करने से धन्य धान की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान नारियल का विशेष महत्व है। नारियल को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान को नारियल चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलती है और साथ ही इससे हमारे कष्ट भी दूर होते हैं। लेकिन महिलाओं का नारियल तोड़ना पूरी तरह से वर्जित क्यों बताया गया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए, और हमसे जुड़ जाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में बिना नारियल के वह पूजा सफल नहीं होता है। चाहे कोई त्यौहार की पूजा हो या फिर गृह प्रवेश हो, किसी खास बड़े सामान की खरीदारी हो या फिर शादी विवाह का कार्यक्रम हो, नारियल का विशेष महत्व होता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि नारियल को हमेशा पुरुष या फिर लड़के ही फोड़ते हैं, कभी भी महिलाओं को नारियल फोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या है कि महिलाएं भगवान को नारियल चढ़ा तो सकती है लेकिन फोड़ नहीं सकती है? आप चढ़ा सकती हैं, इसमें कोई झिझक नहीं है। आप लड़की हों, महिला हों, आप चढ़ा सकती हैं लेकिन उसे फोड़ नहीं सकती, इसके पीछे का कारण चलिए जानते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। हिंदू धर्म में नारियल को बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो नारियल का पानी चंद्रमा का प्रतीक होता है और इसे भगवान को चढ़ाने से सुख समृद्धि मिलती है और साथ ही इससे दुख दर्द दूर होते हैं। दोस्तों, महिलाओं का नारियल फोड़ना क्यों निषेध है और इसके पीछे आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? हिंदू धर्म में महिलाओं को नारियल फोड़ना वर्जित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नारियल एक बीज है और महिलाएं संतान उत्पत्ति का कारक होती है। वे एक बीज से ही संतान को पैदा करती है, इसी कारण से महिलाएं कभी भी नारियल को नहीं तोड़ सकती। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएं नारियल फोड़ती हैं तो ऐसा करने से उनके संतान के जीवन में कई तरह की समस्याएँ आ सकती है। हिंदू धर्म में नारियल का धार्मिक महत्व सबसे ज़्यादा है। पौराणिक कथाओं की माने तो कहा जाता है कि धरती पर नारियल के पेड़ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ने लगाए थे। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। नारियल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, इसलिए अधिकांश पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में भी नारियल का बहुत ही अधिक महत्व है। आपने गौर किया होगा कि कलश के ऊपर नारियल को रखा जाता है। ऐसा मानते हैं कि कलश के ऊपर नारियल रखा जाना गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और सभी कायरों में गणेश पूजा को प्रथम दर्जा दिया गया है। दोस्तों, प्रथम दर्जा दिया गया है भगवान गणेश को। तो रचना नारियल को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने इंद्रदेव से रुष्ट होकर एक दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया था। उस नए स्वर्ग के निर्माण से जब ये खुश नहीं हुए तो उन्होंने एक अलग पृथ्वी के निर्माण करने के बारे में सोचा। उन्होंने पृथ्वी में सबसे पहले नारियल के रूप में मनुष्य की ही रचना की। इसी वजह से नारियल को मनुष्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि पूजा का नारियल जो है भूल कर भी महिलाएं या लड़कियां कभी न तोड़ें। इसके पीछे का कारण अभी मैं बताई हूँ आप लोगों को, फिर से और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि अगर कोई स्त्री है या लड़की है तो कभी ना कभी उसकी शादी होगी, और महिला है अगर उनको पुत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है तो नारियल अगर तोड़ती हैं तो इससे क्या होता है, संतान पर अक्षेप आता है। अगर पहले से भी संतान है तो भी उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और पहले से नहीं है, अगर संतान यानी कि नहीं है, संतान प्राप्ति होने वाला है चाहे आप चाहती हैं, तो इसमें रुकावट आ जाती है।
ऐसा करने से। तो संतान से जुड़ी है यह बातें, तो आप लोग भूल कर भी कभी भी पूजा का नारियल ना तोड़ें। पुरुष फोड़ सकते हैं। नारियल फोड़ना बलि का प्रतीक माना जाता है, और नारियल जैसे कि बलि लोग देते हैं बकरा बकरी का, इसी प्रकार से नारियल का एक प्रकार का बलि के रूप में इसे माना जाता है। परंपरागत रूप से नारियल को नई सृष्टि के सृजन का बीज माना गया है। नारियल को बीज का स्वरूप माना गया है और इसे प्रजनन से जोड़कर देखा जाता है। महिलाओं को, यानी कि महिलाओं को ही ईश्वर ने संतान को जन्म देने की शक्ति प्रदान की है, इसलिए स्त्री को उत्पत्ति की कारक माना गया है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए नारियल फोड़ना वर्जित कर्म माना गया है। नहीं फोड़ना चाहिए बिल्कुल भी, आप लोग ऐसा काम कभी भी भूल कर भी ना करें। कोई नया वाहन खरीदना या व्यापार आदि शुरू करता है आदमी, तो नारियल फोड़ा जाता है। इसके पीछे तर्क है कि नारियल के अंदर का पानी बहुत ही पवित्र होता है। जब हम नारियल फोड़ते हैं तो उसका पानी चारों ओर बिखर जाता है, जिससे सारी नकारात्मक समाप्त हो जाती है। इसके अलावा विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भी मंदिर में नारियल फोड़े जाते हैं। तो कभी भी नारियल फोड़ें तो पुरुष ही फोड़ें। दोस्तों, भगवान विष्णु ने पृथ्वी का अवतार लिया तो वे अपने साथ तीन चीज़ें अपने साथ ले आए थे, जैसे कि लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष तथा कामधेनु लेकर आए थे। ये तीनों ही चीज़ें मनुष्य के लिए वरदान है। यही कारण है कि नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का वास माना गया है। नारियल पर बने हुए तीन बिंदु भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, इसलिए नारियल माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। देवताओं को श्रीफल अर्पित करने से धन की समस्या नहीं होती है, यानी कि धन की तंगी, हमारे जितनी भी धन की तंगी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और हमारे घर में धन धान की वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों, नारियल का जो मैं इसके पीछे का कारण जो था मैं आप लोगों को बता दी कि नारी औरत को क्यों नहीं फोड़ना चाहिए। अब आप लोगों को एक नारियल का मैं जो उपाय बताती हूँ, बहुत ही कारगर उपाय है, इस उपाय को आप लोग जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके घर में जो है धन धान की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, हर दिवाली पर, अगर दीपावली आती है तो ठीक है, अगर दीपावली नहीं है तो किसी भी शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन एक एकाक्षी नारियल आपको लाना है। जैसे कि नारियल में तीन वो जो होता है तीन छेद, उसमें अगर एक छेद वाला मिल जाए तो वो बहुत ही शुभ होता है, उसको एक अक्षी नारियल बोला जाता है। तो ऐसा अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जैसा ही मिले नारियल अच्छी से अच्छा हो उसको लाना है और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करनी है। कलश पर रखना है नारियल को, उसके बाद विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजन करना है, जैसे हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर इस तरह से हम दीपावली के दिन करें तो और अच्छी बात है, लेकिन दीपावली अगर नहीं है, अभी आप करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। नारियल को कलश के ऊपर रखें, माँ का विधि विधिवत पूजन करें माँ लक्ष्मी का, फिर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटे हुए उसी तरह से अपने तिजोरी में ले जाकर के रख दें। ऐसा करने से हर शुक्रवार के दिन उस नारियल को धूप बत्ती दिखाते रहें अपने तिजोरी में। ऐसा करने से हमारे घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती है, बल्कि धन में दो गुना वृद्धि होने लगता है। अगर इस उपाय को हम दीपावली के दिन करते हैं, दीपावली पूजन में हम नारियल लाते ही लाते हैं, तो उस नारियल को हमें कभी भी ना प्रसाद के रूप में फोड़कर खाना चाहिए और ना ही उस नारियल को ले जाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए कि हमें जब हम विधि विधान से पूजन कर लेते हैं दीपावली पर, तो उस नारियल को अपने तिजोरी में रख देना चाहिए। तिजोरी में उसको साल भर रखे रहिए, फिर अगला दीपावली आए तो फिर उसी प्रकार से पूजन करके पुराना वाला नारियल जो है ले जा करके जल में प्रवाहित कर दें और नया वाला नारियल जो है फिर अपने तिजोरी में रख दें। हर शुक्रवार को उसे धूप बत्ती दिखाते रहें। ऐसा करने से हमारे धन में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। आप लोग करके देखिए, इस उपाय को दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही कमाल का उपाय है। नारियल जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है और माँ लक्ष्मी का जो है बहुत प्रिय यह फल है। तो आप लोग इस उपाय को जरूर करें। अगर दीपावली पर नहीं अभी करना चाहते हैं तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन इस नारियल का उपाय करें। अगर नहीं तो दीपावली के दिन इसे
अवश्य करें और साल भर पूरे तिजोरी में रखें। फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ, पूरे साल भर आपको तिजोरी में रखना है, फिर अगले साल उस नारियल को ले जाकर जल में प्रवाहित करना है, फिर नया वाला नारियल वहाँ पर रख देना है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन्नारायण जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।